दोस्तों आप में से कुछ व्यूवर्स ने मुझसे टैंगो के बारे में पूछा है। नाम काफी अजीब है पर इसके पीछे काफी बड़ा मतलब है और टैंगो एक अच्छा प्रोजेक्ट है, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए और मैं आपको प्रोजेक्ट टैंगो के बारे में हर एक चीज समझाने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण शुक्ला और इस वीडियो में आपको प्रोजेक्ट टैंगो के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गूगल ने प्रोजेक्ट टैंगो को सबसे पहले फोन में लॉन्च किया है, उसका नाम है लेनोवो के फैब 2 में। जी हां दोस्तों, लेनोवो के फैब 2 में आपको प्रोजेक्ट टैंगो की फीचरनेस देखने को मिलती है। दोस्तों अभी तक और किसी फोन में नहीं आया है पर लेनोवो के फैब 2 में आपको ये फीचर देखने को मिलता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं किस तरीके से काम करता है। आपका जो स्मार्टफोन है बेसिकली वो जो लेनोवो का फैब 2 टैबलेट है उसके पीछे आपको 2-3 कैमरा देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली आपका कैमरा जो है वो तो अलग रहेगा पर बाकी 2 कैमरा अलग रहेंगे और कई ढेर सारे सेंसर्स रहेंगे। जनरली जो इम्पोर्टेंट सेंसर रहेंगे वो डेप्थ फीलिंग के सेंसर रहेंगे। वो डेप्थ फील करेंगे कि आप जब वीडियोस बना रहे हैं तो वीडियो में कौन सा ऑब्जेक्ट कितनी दूर पे है, वो वैसे सेंसर्स रहेंगे। वो सेंसर काम करते हैं लेजर ऑटोफोकस वाले टेक्निक पे, मतलब कि वो लेजर सेंड करेंगे लेजर बीम यहां से और देखेंगे कि वो कितनी देर में रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है और उसी टाइम के हिसाब से वो कैलकुलेट कर लेंगे वो कितनी दूर है इस प्लेस से। इसी तरकीब पे काम करता है सोनार जो कि बड़े बड़े जहाजों में लगे होते हैं जो कि ओशन की डेप्थ को पता करते हैं। तो दोस्तों तो ये जो प्रोजेक्ट टैंगो है ये बेसिकली काम करता है ऑगमेंटेड रियलिटी के ऊपर। या दोस्तों ऑगमेंटेड रियलिटी मतलब AR का आपने नाम हो सकता है पहले सुना हो। आप एक ऐप के बारे में बहुत कुछ सुने होंगे जिसका नाम है पोकेमोन गो। पोकेमोन गो एक गेम है जिसमें आप अपने स्मार्टफोन को इधर से इधर, उसमें कैमरा बेसिकली चल जाता है और फिर जब आप ऐसे ऐसे करते हैं तो आपको वहां पर एक मतलब मान लीजिए कोई पोकेमोन दिखता है या फिर कोई एक नया कैरेक्टर दिखता है जो कि रियल लाइफ में नहीं रहता है, तो वो कैमरा ऐप खुलता है और कैमरा पे आपको वैसा दिखता है। तो इसे कहते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। रियलिटी में कुछ ऑगमेंटेशन होनी, इसे कहते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। तो इसको इंक्लूड किया गया है प्रोजेक्ट टैंगो में और जो प्रोजेक्ट टैंगो है ये ऑगमेंटेड रियलिटी का थोड़ा ऊपर वाला ग्रुप है, थोड़ा ऊपर वर्जन, एडवांस तरीका, क्योंकि जब आप इसकी मदद से किसी भी चीज की रिकॉर्डिंग करते हैं तो इसमें आप फील कर सकते हैं कि कितनी डेप्थ है। इससे आप 3D मैपिंग कर सकते हैं किसी भी बिल्डिंग की, किसी भी लोकेशन की, किसी भी स्ट्रीट की, मतलब कोई भी चीज की। तो अब बात करते हैं टैंगो के एप्लीकेशंस की। तो दोस्तों जो सबसे पहला एप्लीकेशन आता है वो आता है हमारी पोर्टेबिलिटी की, हमारी आसान कन्वीनियंसी की। अब किस तरीके से हमारी लाइफ को कन्वीनियंट बनाएगा वो इस तरीके से, जैसे मान लीजिए आप अपने रूम में कोई नया फर्नीचर ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐसे करिए अपने स्मार्टफोन में जिसमें कि टैंगो का सपोर्ट हो, ऐसे रखिए, वहां पर आप उस ऑब्जेक्ट को ले आइए, वो ऑब्जेक्ट को इंक्लूड कर देगा और वहां पर आप चेक कर लीजिए कि यहां पर ये फर्नीचर इधर रख दें, इधर रख दें, इधर रख दें, कैसा रहेगा। तो ये इसी तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से कमरे में क्या फर्नीचर, या फिर फर्नीचर ही नहीं कोई भी तरीका, जैसे कि आपके घर में कौन से पार्ट पे क्या रहे, या फिर मान लीजिए आप किसी शॉपिंग मॉल में जाना चाहते हैं, वहां पर देखना चाहते हैं कौन सी चीज कैसी है, कहां है, तो वो आपको जो स्ट्रीट व्यू होता है गूगल का उसी का और एडवांस रूप मिलेगा। आप पता कर सकते हैं कि इधर क्या है, इधर क्या है, और ही आसानी से। इसकी मदद से हमारे गेम्स को बहुत लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, अभी हम गेम्स बनाते हैं तो उसमें हमें हर एक चीज की एनिमेशन बनानी पड़ती है, हर एक चीज की ग्राफिक VFX बनाना पड़ता है कि गेम में कैसे कैसे क्या पार्ट्स आएंगे। पर दोस्तों कितना अच्छा हो अगर आप रियल लाइफ बिल्डिंग्स को स्कैन कर लें और वही अपने गेम में डाल दें तो आपका समय भी बहुत कम बचेगा। गेमिंग वालों को जो गेम बनाते हैं उनका समय बहुत कम बचेगा और आपको एक रियलिस्टिक फील्स आएंगे गेम में। तो प्रोजेक्ट टैंगो की तो बहुत ही इस्तेमाल से और ये आने वाले कुछ समय में हर एक स्मार्टफोन में ज्यादा पोर्टेबल तरीके से आ सकते हैं और हो सकता है इनके प्राइस कोई बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है, ये कोई प्राइस का फैक्टर ही नहीं है, ये बस एक नया फीचर है जो आपको एक मिड रेंज स्मार्टफोन में देखने को कुछ आने वाले समय में मिल जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है सारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक करने के साथ शेयर भी कीजिए और जरूर से आप माय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ शेयर भी कीजिए और यहाँ पर दिए गए आइकन को प्रेस करके आप माय चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी ऐसी यूजफुल वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर आपको कुछ और जानना है, बताना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन कीजिए। और अभी के लिए इतना ही, मैं चलता हूँ, आपको मिलूंगा अपनी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।